भाई दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो है प्रीमियम लोकेशन के ऊपर। अगर आप अपने बजट के अंदर प्रॉपर्टी ट्राई कर रहे हैं 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, तो ये प्रॉपर्टी आपके बिल्कुल बजट के अंदर है। और साइज अगर आप देख रहे हैं 15 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक का, तो ये भी आपके डिमांड के अंदर आता है। मैं कह रहा हूं दोस्तों वर्धमान विक्टोरिया की, जो लोकेटेड है SPR रोड के ऊपर सेक्टर 70 के अंदर। आप जो मेरे पीछे टावर देख रहे हैं, इनकी पोजीशन होनी है आपके मार्च अप्रैल के अंदर। ये टावर आता है DE और F, ये 3 टावर अभी बचे हुए हैं जो पोजीशन होने हैं। बाकी इसके अंदर 3 टावर 3 BHK के और 2 टावर 2+ स्टडी के जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं और फैमिलियाँ शिफ्ट हो चुकी हैं इसके अंदर। अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अंदर लमसम 10.5 एकड़ का ये लैंड बैंक पड़ता है इस प्रोजेक्ट का, और इसमें इस टाइम 8 टावर रेडी हो चुके हैं, जिसके अंदर से आपके सिर्फ 3 टावर बचे हुए हैं। 5 टावर हैं वो रेडी टू मूव हो चुके हैं, फैमिलियाँ शिफ्ट हो चुकी हैं, और जिनको रेंट आउट करना है ओनर काम करवा रहे हैं। आपको थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि साइट के ऊपर काम चल रहा है। अगर प्रोजेक्ट की साइज़ की बात करें तो इसमें 2+ स्टडी आता है, वो आता है 1300 स्क्वायर फीट, और 1350 स्क्वायर फीट के 2 साइज हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर 3 BHK की, तो 3 BHK इसमें एक ही साइज़ है 1950 स्क्वायर फीट का, 1950 स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर आपको 3 BHK प्लस 5 बाथरूम मिलते हैं, मॉड्यूलर किचन मिलती है, एक स्टोर मिलता है और एक सर्वेंट रूम। इतना बड़ा साइज अगर आसपास के एरिया के अंदर देखें तो 2 करोड़+ का साइज अगर हमारा जाता है। अगर हम 3 BHK के फ्लैट बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइड होती है, और इसके अंदर हमें 4 AC प्रोवाइड होती हैं जो कि एक लिविंग एरिया में हो और 3 बेडरूम के अंदर हैं, तो टोटल 4 AC हमें यहाँ प्रोवाइड होती हैं। जो किचन रहेगी आपकी, किचन पूरी लोडेड किचन रहेगी, और इसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर की जो एंट्री है वो बिल्कुल अलग से रहेगी। अगर आप चाहते हो अगर कोई सर्वेंट रूम नहीं यूज करना तो आप उसको भी अपने फ्लैट के अंदर ले सकते हो, दीवार के तोड़ के आप अपना वहाँ पे एक डोर लगा के उसको फ्लैट के अंदर ले सकते हो। ये एरिया पूरा पीसफुल एरिया है क्योंकि यहाँ से अरावली की पहाड़ियाँ भी दिखती हैं। कुछ यूनिट है जो पार्क फेसिंग है और कुछ यूनिट है जो अरावली की फेसिंग है, तो दोनों ही यूनिटों की जो फेसिंग रहेगी वो काफ़ी अच्छी है। इन टावरों की लॉबी एरिया इतनी बड़ी लॉबी एरिया है जो किसी भी सोसाइटी के अंदर आज तक आपको लॉबी एरिया देखने को नहीं मिलेगी। चाहे वो एक DLF की प्रॉपर्टी हो तो DLF की प्रॉपर्टी के अंदर भी इतनी बड़ी आपको टावर के नीचे लॉबी एरिया नहीं मिलेगा। इसमें जो 2 टावर हैं, 2 टावरों की एक लॉबी एरिया बना दी गई है। टावर ए और बी की अगर आप लॉबी एरिया देख रहे हैं तो ये टावर ए और बी की ज्वाइंट लॉबी एरिया है, जिसके अंदर 2 टावर रहेंगे, 2 गार्ड बैठेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे वेटिंग लॉन्ग रहेगा। अगर आप कोई किसी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो आप फ्लैट के अंदर नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप वेटिंग रूम के जो लॉबी एरिया है उसके अंदर भी आप बुला के उससे मीटिंग कर सकते हैं। किसी अगर हम बात करें इसकी एमिनिटीज़ की, तो इसमें वो सारी एमिनिटीज़ हैं जो हमें चाहिए होती हैं। गार्डन है इसके प्रॉपर रेडी है गार्डन, इस हिसाब से जो फैमिलियाँ शिफ्ट हुई हैं तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे गार्डन है। अभी थोड़ी नया प्रोजेक्ट है तो लोग बहुत कम आए हैं क्योंकि रिसेंटली इसकी पोजीशन हुई है। इसमें मिनिमम 10 से 15% तक अभी फैमिलियाँ शिफ्ट हुई हैं, ज़्यादा ओनर है वो अपने फ्लैटों के काम करवा रहे हैं। और अगर हम बगल में प्रोजेक्ट करें तो पिरामिड का अल्टिया प्रोजेक्ट इसको बिल्कुल साथ में है, इन्फिनिटी बिल्कुल साथ में है, स्टेयर गार्डन के बिल्डअप फ्लोर और विला इसके बिल्कुल बगल में है। अगर हम मेन SPR रोड से कनेक्टिविटी देखें तो 2 से 3 मिनट की कनेक्टिविटी हमारी SPR रोड से पड़ती है। जो फ्यूचर में डेवलपमेंट की अगर प्लानिंग करें तो रैपिड मेट्रो की कनेक्टिविटी इसके नियर बाई में है, और अभी एक्सटेंशन रोड और जो SPR रोड है उसके ऊपर रीवैम्प का काम शुरू हो गया है। बगल में DLF अल्मेडा है जो काफ़ी बड़ी प्लॉटेड टाउनशिप है SPR रोड के ऊपर। फिर M3M के लग्जरी फ्लैट आते हैं और कुछ SU प्लॉट आते हैं, M3M के कमर्शियल प्रोजेक्ट आते हैं जो कि फ्यूचर में जाके इस प्रोजेक्ट की काफ़ी अच्छी यहाँ पे
अगर हम इस रेट की अगर बात करें कि आज के टाइम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अगर हम फ्रेश बुकिंग के अगर देखने जाते हैं तो सेक्टर 79 के अंदर बेस्टेक अल्टूरा में अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे बेटर आप यहां आ सकते हैं, क्योंकि यहां कनेक्टिविटी रनिंग है, वहां कनेक्टिविटी आपके लिए रनिंग नहीं है। यहां आपकी सेल्फ यूज प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस रेंटल इनकम के लिए सबसे बेटर प्रोजेक्ट है जो बेस्टेक अल्टूरा है। वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ सेल्फ यूज के लिए इस टाइम प्रॉपर्टी वो आपके लिए सूट होती है। रेंटल इनकम अभी वहाँ नहीं है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, यहाँ पे सारे के सारे आपके जो मेजर कमर्शियल कंसेप्ट है जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस वे का ऑफिस आ रहा है, फिर कुछ टाइम के अंदर आपके M3M के प्रोजेक्ट रेडी हो जाएंगे, वाइट लैंड का SU प्लॉट का प्रोजेक्ट है, फिर पिरामिड के SU हैं, तो यहाँ पे जो जेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा है रेजिडेंशियल एरिए के अंदर और यहाँ पर हमेशा डिमांड होगी क्योंकि पूरी बेल्ट आपकी यहाँ पर कमर्शियल की आती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लब की एमिनिटीज़ प्रॉपर है, आपके गार्डन प्रॉपर रेडी है, आप अगर फ्लैट के अंदर स्पेस चाहिए आपको स्पेस काफ़ी बड़ा है 1950 स्क्वायर फीट का, और 1950 स्क्वायर फीट में आपको सर्वेंट रूम भी, एसी, मॉडुलर किचन, सिर्फ आपने फ्लैट के अंदर जो काम कराना है वो काम करवाना होता है अलमीराज का। इस प्रोजेक्ट के अंदर अलमीरा नहीं है आपके फ्लैटों के अंदर, क्योंकि वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हैं। खुला डुला एरिया है दोस्तों, अरावली बिल्कुल मुझे साफ दिखाई दे रही है यहाँ से, और अभी तो थोड़ा सर्दियों का मौसम है, फॉग का है थोड़ा तो कम दिखाई दे रही है, वैसे दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ बहुत गजब का व्यू मिलता है। आसानी से यहाँ आप हर जगह जा सकते हैं, सोना रोड जा सकते हैं, NH8 जा सकते हैं, आप सोना जाना चाहते हैं सोना जा सकते हैं, साइबर सिटी जाना चाहते हैं साइबर सिटी, यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता होगा क्योंकि अभी एक्सटेंशन रोड के ऊपर रिवैम्प का काम चल रहा है, तो जैसे आज गोल कोस्ट रोड है वैसे ही SPR रोड प्लस एक्सटेंशन रोड दोनों ऐसे हो जाएंगे। अगर हम 2 BHK की बात करें, 2+1300 और 1350 स्क्वायर फीट के 2+ स्टडी के, तो इसके की कॉस्टिंग की बात करें तो अगर आप फ्रेश बुकिंग में लेना चाहते हो तो इसकी 1.15-1.20 की कॉस्टिंग पड़ेगी, अगर आप रीसेल में लेना चाहते हैं तो 1-1.5 के लमसम आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी। अगर हम बात करें 3 BHK की 1950 स्क्वायर फीट वाले की, तो उसके अंदर आपकी जो कॉस्टिंग रहेगी फ्रेश बुकिंग के अंदर वो रहेगी 1.75-1.80 के अराउंड, और रीसेल की बात करें तो 1.50-1.60 के लमसम यहाँ पर डील मिल जाती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर ये टाउनशिप आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हैं आपको बेस्ट डील दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो टाउनशिप है ये भी न्यूली टाउनशिप है और इसके अंदर वो सारी एमिनिटीज और वो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड होती है, बेसमेंट कार पार्किंग मिलेगी आपको और बाकी मोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो हमें सारी डिस्कस कर ली है। कनेक्टिविटी अच्छी है, प्रोजेक्ट का साइज़ अच्छा है, प्रोजेक्ट का फ्लैट का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, खुला एरिया है, लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी है यहाँ की, तो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो इन फ्लैटों की पोजीशन मार्च अप्रैल के अंदर मिलेगी और इसी के अंदर फ्रेश इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है, तो ज़्यादा नहीं है, कुछ गिनी चुनी यूनिट है और साइज़ आपने देख लिया काफ़ी अच्छा साइज इसके अंदर उभर के आता है। 2 BHK 2+ स्टडी की चीज़ें अभी वो भी अवेलेबल हैं, वो रीसेल और फ्रेश दोनों के अंदर अवेलेबल हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, धन्यवाद।